जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार, इस बार माननीय केंद्र मंत्री आम पाखे उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त राजनाथ सिंह जी, से व्यक्तित्व जे 2014 रे भारतीय जनता पार्टी रो दायित्व नहीं थे, आतीक बड़े जो संगठन सुदक्ष विंधाणी भाव संगठन को आगक बढ़े, आज पर्यंत 10 वर्ष धरी भारतीय जनता पार्टी सरकार रे सत्तासीन अच्छी, आउ तृतीय पाली भी खेल माननीय केन्द्र मंत्री को निवेदन करी। माननीय केन्द्र मंत्री भारत बर्षर जो जो विषय माननीय केन्द्र नरेंद्र मोदी कर विषय सहित आम को स्वागत कर। बोलिए भारत माता की। हमारे सभी कार्यकर्ता दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारे लगाएंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाबा जगन्नाथ की, मां बूढ़ी ठाकुरानी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमान मनमोहन जी शामल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, संसद में उड़ीसा की आवाज को बुलंद करने वाली भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी, विधायक गोपालपुर श्री प्रदीप पाड़ीग्रही, विधायक पार्ला रवि मुंडी, श्री नारायण राव, वरिष्ठ नेता श्री भृगु बशीपात्रा जी, वरिष्ठ नेता सुश्री अनीता शुभदर्शनी जी, पार्टी महासचिव श्री शारदा शतपथी, डॉक्टर लेखाश्री पार्टी प्रवक्ता, और इस पंडाल में मौजूद मेरे सभी बहादुर कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, मैं अद्भुत उमंग और उत्साह अपने कार्यकर्ताओं के अंदर देख रहा हूं। उड़ीसा में इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन जो आज मैं उमंग और उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, पहले कभी नहीं देखा था बहनों। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, इस उड़ीसा में अब डबल इंजन की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने स्वर्णिम इतिहास से प्रभावित है। अब हमारा यह भारत उस इतिहास को दोहराने और अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, दुनिया के बड़े बड़े संगठन और दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब यह डंके की चोट पर बोलते हैं कि दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी की बनने जा रही है तो भारत की बनने जा रही है। मेरे बहनों भाई, मैं वैसे मानता हूं भारत की विकास यात्रा में कमोबेश सभी का कोई कुछ योगदान है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है, इसके पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, भारत की बातों को अनसुनी कर दिया जाता था,
लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है और मैं समझता हूं 2014 में 25 वर्षों के बाद आप लोगों ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उसके बाद 2019 में उससे अधिक सीटों पर विजय दिलाकर फिर से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। 2014 और 2019 से भी ज्यादा उमंग और उत्साह पूरे भारत के कार्यकर्ताओं में और जनता में मुझे देखने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए को 400 के पार ले जाना है और इस लक्ष्य को सामने रखकर हम सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को काम करना है। भारत पहले दुनिया में कमजोर भारत माना जाता था लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, दुनिया के नजरों में भारत कमजोर भारत नहीं है बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत को देखा है, एक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट कांग्रेस की हुकूमत में निरंतर गहराता चला गया। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं सुनने को मिलती थी लेकिन मोदी जी के आने के बाद शायद ही कभी आपको कोई बड़ी ऐसी कोई घटना सुनने को मिल जाए, नहीं तो आतंकवादियों, उग्रवादियों और नक्सलवादियों के भी हौसले पस्त हो गए हैं। आपने देखा होगा पहली बार 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी कुछ आतंकवादियों ने यह जरूरत की थी भारत के सीमा में प्रवेश करके आतंकवादी वारदात करने की। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और उसके बाद हमारे बाहर और सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अब हमारी हैसियत यह बन गई है हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की हैसियत है। वैसे भारत विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला है। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है लेकिन आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी घटनाओं को हमारी सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मेरे बहनों भाइयों, यह मैं 2-2 शब्दों में आप सबको बतलाना चाहता हूं। पहले आर्थिक दृष्टि से यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जीडीपी के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर आता था लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है बहनों भाइयों कि हमारा भारत 9 वर्षों के अंदर ही जो 11वें स्थान पर था छलांग लगाकर आज 5वें स्थान पर वह पहुंच गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, यहां तक कि मॉर्गन स्टेनले ने भी यह कहा है, एक बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दुनिया की मानी जाती है, उसने भी कहा है कि अभी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी 3 वर्षों के अंदर भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री का पक्का भरोसा है 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हमारा यह भारत दुनिया का एक विकसित भारत बन जाएगा, डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजनीति की है, राजनीति के माध्यम से वह प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन शासक के रूप में वह भूमिका अपनी नहीं निभाते हैं बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं।
क्या कभी आपने सोचा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई करने के लिए, गलियों की सफाई करने के लिए निकलेगा? क्या भारत में कभी किसी ने सोचा कि देश का प्रधानमंत्री गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत का ध्यान रखते हुए, जैसे बड़े परिवारों में, बड़े घरों में बड़े बड़े शौचालय होते हैं, हमारे गरीब माताएं और बहनें हैं जो कि कच्चे मकानों में रहती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं, उनकी भी इज्जत और आबरू होती है, उनके लिए भी शौचालय बनना चाहिए। पहली बार इस काम को किसी ने हाथ में लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाता है। जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को उड़ीसा के विकास के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन पहली बार आजाद भारत के इतिहास में उड़ीसा के समग्र विकास की चिंता यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, नौ वर्षों में जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकारों को धनराशि प्राप्त होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी यूपीए की सरकार थी, 10 वर्षों में उन्होंने केवल 3 लाख करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में उस उड़ीसा के प्रति कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि 9 वर्षों के अंदर ही उन्होंने उड़ीसा के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। कांग्रेस शासनकाल में बराबर उड़ीसा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अभी आपने देखा होगा, हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने उड़ीसा में 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का या तो लोकार्पण किया है या तो शिलान्यास किया है। यह है हमारे प्रधानमंत्री का उड़ीसा के लोगों के प्रति प्यार, उड़ीसा के लोगों के प्रति उनकी मोहब्बत। इतना ही नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के समय शिलान्यास हो जाता था लेकिन उनका उद्घाटन नहीं होता था, लोकार्पण नहीं होता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि यदि हम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे तो उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो कि कांग्रेस के हैं, वह मिस्टर चिदंबरम भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। यह काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। 10 वर्षों के अंदर छोटी उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस तो नारा बराबर लगाती रही है, हमारी सरकार बनाओ, हम भारत से गरीबी को मिटाएंगे, बराबर गरीबी को समाप्त करने का दावा कांग्रेस करती रही है। लेकिन गरीबी समाप्त होने के बजाय लगातार यह बढ़ती रही है। लेकिन आज मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, सीना ठोक कर पूरे दमखम के साथ आप कह सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। यह है हमारा भारत, यह है हमारी सरकार। मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री हमने भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन सचमुच गरीबों के लिए अपनी जिंदगी खपाने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्षों में 4 करोड़ लोगों को पक्का घर सारे देश में मुहैया कराने का काम पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं उड़ीसा के लोगों को बतलाना चाहता हूं, इसमें 25 लाख इस प्रकार के पक्के मकान प्राप्त करने वाले लाभार्थी यदि किसी कहीं पर हैं तो उड़ीसा में हैं। हर गरीब के सिर पर छत होगी। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप जाकर गरीब भाइयों को भी यह समझाइए, पूरे विश्वास के साथ बोलिए, यदि किन्हीं कारणों से किसी को पक्का मकान नहीं मिल पाया होगा, सिर ढकने के लिए पक्की छत नहीं होगी,
तो हमारी सरकार बनने के बाद उन्हें हम पक्का मकान मुहैया कराएंगे। एक भी गरीब परिवार ऐसा शेष नहीं बचेगा। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि कोई प्रधानमंत्री आएगा और इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो हर व्यक्ति को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, इस प्रकार की योजना न पहले कभी रही है और मैं समझता हूं शायद कोई आगे बहुत आगे आने वाली सरकार होगी तो वही इस प्रकार की योजना को लागू करने की हिम्मत नहीं कर सकती है। एक से एक करिश्माई काम हमारे प्रधानमंत्री ने किए। विकास की दृष्टि से तो किसी भी सरकार की तुलना हो ही नहीं सकती है और भारत की हैसियत देखते हुए, भारत की यह स्थिति देखते हुए अब सभी यह स्वीकार करते हैं सारे दुनिया के लोग कि भारत को अब आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हमारे प्रधानमंत्री का उड़ीसा के प्रति कितना प्यार है। G20 का सम्मेलन हुआ था, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें आए थे। शायद इसके पहले यह सम्मेलन हुआ होता तो इस उड़ीसा राज्य की तरफ किसी का ध्यान न जाता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मन में इस उड़ीसा के प्रति कितना प्यार है कि उन्होंने यहां के कोणार्क चक्र से पूरी दुनिया का परिचय करा दिया। G20 के सम्मेलन में आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा कितना प्यार है हमारे प्रधानमंत्री के मन में इस उड़ीसा के प्रति। बहनों भाइयों, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज हैसियत हमारे प्रधानमंत्री की, अरे मैं अपने प्रधानमंत्री को कहूं कि हमारा प्रधानमंत्री तपस्वी प्रधानमंत्री है, तपस्वी प्रधानमंत्री है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। हमारा प्रधानमंत्री जो कहता है वह करता है। पहले की सरकारें कहती कुछ थी, करती कुछ थी, चुनाव में वादे कर देती थी लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करती थी। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। नेताओं की बातों पर जल्दी जनता विश्वास नहीं करती थी लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं समझता हूं इन्हीं गुणों के कारण दुनिया में मोदी जी को कोई राष्ट्राध्यक्ष, मोदी जी को कोई राष्ट्राध्यक्ष बास कहकर पुकारता है, कोई जो है राष्ट्रपति उनके सम्मान में उनका पैर छू लेता है। यह हैसियत मैं समझता हूं कि दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री के नहीं होगी। सभी जगह सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा हमारे 8 पूर्व नौ सैनिक नेवी के अफसर कतर में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्व सैनिकों की किस प्रकार चिंता की। उन्होंने कतर के राष्ट्रपति से बात की और आप सबको यह जानकर खुशी हुई होगी कि वहां की सरकार ने हमारे 8 के 8 नौ सैनिक जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया मेरे बहनों भाइयों और वह सकुशल वह अपने घरों को वापस आ गए। संकल्प था हम लोगों का कि हम कैसे भारत का निर्माण करेंगे। मुझे याद है पहले जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना घोषणा पत्र जारी करते थे तो लोग कहते थे ये ऐसे ही राजनीतिक पार्टी वाले लोग घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मोदी जी ने मुझसे कहा कि राजनाथ जी इस बात का ध्यान रखिएगा
जो चुनावी घोषणा पत्र बन रहा है उस चुनावी घोषणा पत्र में वही चीजें शामिल की जानी चाहिए जिसको कि हमारी सरकार कर सके। इतनी चिंता कि जो हम कहें वो होना चाहिए। और 2019 में भी जब घोषणा पत्र बना तो उस घोषणा पत्र को बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर सौंपी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अपने घोषणा पत्रों में 1984 से बराबर हम लोग कहते चले आ रहे थे, जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम बराबर कहते थे कि राम लला हम आएंगे, बराबर कहते थे हम राम लला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। हमारे कांग्रेसी लोग कहते थे अरे ये भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, जब चुनाव आता है तब कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप तारीख पूछ रहे थे ना, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया, 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है बहनों भाई। और आपने देखा कि मुस्लिम समाज का एक देश है अबू धाबी में भी एक मंदिर का निर्माण हो गया और हमारे प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण कर दिया। और मुझे तो लगता है कि हमारा भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, वह दिन आएगा, हमारे पूर्वजों का भी एक सपना था कि जो भारत कभी विश्वगुरु के पद पर आसीन था वह भारत फिर से विश्वगुरु के पद पर आसीन हो। मुझे लगता है कि वह स्वप्न भी हम लोगों का साकार होकर रहेगा। यह है आपकी सरकार का करिश्मा, यह है आपकी सरकार का काम जो मोदी जी गारंटी देते हैं बहनों भाइयों, उस गारंटी को पूरे होने के भी पक्की गारंटी रहती है। अब यह सभी मानने लगे, सभी ऐसा मानते हैं। कभी कभी हमारे विरोध पक्ष के लोग क्या कहते हैं, भाई भाजपा वाले ये तो हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके सरकार बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे ये देश हमारी प्राथमिकता है, सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। तीन तलाक, हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर कितना जुल्म होता था, कोई उसका शौहर उसे तीन बार तलाक 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 बोलकर उसे अलविदा कर देता था, उसकी छुट्टी कर देता था। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत का परिचय दिया और चुटकी बजाते हुए तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया हम लोगों ने बहनों भाई। हमारी सरकार डर कर काम नहीं करती है, हिम्मत के साथ काम करने वाली सरकार। भारत जमीन पर तो तेजी के साथ सारी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे वैज्ञानिकों ने भी करिश्मा किया है। अब इस धरती पर ही नहीं, अब हम चंद्रमा पर भी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। आदित्यान भी सूर्य की तरफ बढ़ चला है, वहां पर एक स्थान पर जाकर लैंड किया है, वह लैंड है। मंगलयान, चंद्रयान, आदित्यान की यात्रा हमारे वैज्ञानिक करा रहे हैं देशवासियों का। लोग कहते हैं यह तो वैज्ञानिकों ने किया, मैंने कहा वैज्ञानिकों ने किया, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन चंद्रयान 2 का अभियान जब विफल हो गया था उस समय वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने का काम यदि किसी ने वहां पर जाकर किया था तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया, और हौसला बढ़ने के कारण ही हमारे वैज्ञानिकों ने
इस चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में पूरी कामयाबी हासिल की है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार तो लाइलाज है, भ्रष्टाचार को चाहे कोई सरकार आए समाप्त नहीं कर सकती। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें मेरी समझ में नहीं आता, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यह मजबूरी जाहिर की थी, लेकिन इस चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और आपने देखा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, जनधन आधार मोबाइल की त्रिमूर्ति से डीबीटी का सफल संचालन हो रहा है। और इस डीबीटी के कारण यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो नीचे 100 का 100 पैसा गरीबों की जेब में पहुंचता है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए भी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, विजन चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के पास विजन भी है, मिशन भी है, और मिशन मोड से काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। जहां तक पहले वित्तीय घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इतनी ज्यादा हो जाती थी जैसे लगता था कि भारत दिवालिया हो जाएगा, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारत के आम नागरिक का विश्वास, मैं कह सकता हूं, इसमें ऑल टाइम हाई है। बहनों भाइयों, ऑल टाइम हाई है हमारे देशवासियों का विश्वास। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दुनिया ये बहुत बड़ी एक अर्थ संबंधित यह संस्था है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने जाकर भारत हाथ फैलाकर बराबर याचना करता था, हमको कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो। जानते हैं भारत के बारे में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में अब क्या धारणा बनी है? वहां की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ प्रमुख क्रिस्टीना जियोर्जिया यह कहती हैं कि बैकिस विकास में भारत दुनिया की आर्थिक प्रगति का सबसे प्रमुख इंजन बनने जा रहा है, यह है भारत के विकास की गारंटी। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का चीफ भी सच्चाई को कहता है, यह है भारत की हैसियत। और भारत का कद दुनिया में किस तरह से बढ़ा है क्या आप सबको मालूम होगा? रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगभग 2 वर्षों से चल रही है। जब यह लड़ाई प्रारंभ हुई थी तो बराबर रूस की तरफ से मिसाइल्स चल रही थी, वैसे यहां की यूक्रेन की तरफ से मिसाइलें चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। यूक्रेन में हमारे भारत के भी कुछ बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, जिनके बच्चे यूक्रेन के कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं उन बच्चों को आप चाहे जैसे हो बाहर निकालिए, यूक्रेन से बाहर निकालिए। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया और रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य हो गया होगा, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध 4-4.5 घंटे के लिए रुक गया और 22,500 हमारे नौजवान जो यूक्रेन में थे वो वापस सकुशल अपने घरों को लौट आए। यह करिश्मा और कोई नहीं कर सकता है। कोरोना का संकट, कोरोना के संकट से उड़ीसा भी बुरी तरह प्रभावित था, मैं जानता हूं क्या स्थिति बन गई थी। केवल उड़ीसा ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, बल्कि कोरोना के संकट से पूरा विश्व प्रभावित था।
यहां पर वैक्सीन जो टीका लगाया जाता था वह टीका भी तैयार नहीं होता था, ऐसी स्थिति बन गई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में जाकर, बेंगलोर में जाकर हमारे जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और हम लोगों ने वैक्सीन यानी टीका जो लगाया जाता है कोरोना के दौरान उसको तैयार करना प्रारंभ कर दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, और इतना टीका लगाया कि लगभग दो डोज तो भारत में सभी को लग गई। मैं समझता हूं यहां पर भी जितने लोग होंगे कोरोना का वैक्सीन कम से कम दो डोज सभी को लगा होगा, यदि लगा है तब तो हाथ उठाइए, तालियां बजाइए, न लगा हो तो मत करिए। और हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाया था केवल भारतवासियों को ही, हम लोगों ने उस वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया मेरे बहनों भाइयों, बल्कि दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने का काम हमारी सरकार ने किया। यह है भारत। यदि मैं अपनी सारी उपलब्धियों की चर्चा करूं एक बहुत लंबा समय लगेगा, सारी उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी हमारी फहरिस्त है। अब हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें मैं उड़ीसा के लोगों से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों अब एक इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा, सरकार चाहिए तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अब यहां पर भी डबल इंजन की सरकार बनकर रहेगी, और जिस भाव से हम लोग काम कर रहे हैं, बहनों भाइयों हम जनता को भगवान मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जनता को भगवान मानते हैं, जनता को हम जनार्दन मानते हैं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है जनता को जनार्दन नहीं मानती है बल्कि परिवार को जनार्दन मानती है, परिवार को यह भगवान मानते हैं, यह स्थिति है। मैं रक्षा मंत्री हूं, आप लोग कहेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि हमारे पूर्व सैनिक भी कुछ यहां बैठे हैं, मैं अपने पूर्व सैनिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, भारत की सीमाओं की सुरक्षा में जो उनका योगदान रहा है, हमारे पूर्व सैनिकों के अभिनंदन में भी तालियां बजाकर एक बार स्वागत किया जाना चाहिए मेरे दोस्तों। यह है हमारे पूर्व सैनिक, इनका भी भारत की सीमाओं की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पहले की जो सरकारें थी क्या था, तोप हो, गोले हो, टैंक हो, यह सब सारे दुनिया के दूसरे देशों से खरीदे जाते थे, वहां से हम आयात करते थे, मिसाइल हो, लेकिन हमारे भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, हम सभी को अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी अब भारत जो दुनिया में नंबर एक देश था रक्षा से संबंधित सारी सामग्री को आयात करने के मामले में, रक्षा सामग्री को आयात करने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे था। दुनिया के दूसरे देशों में टैंक, तोप, गोले, एम्युनिशन, मिसाइल ये बनते थे, वहां से हम लोग लेते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प था कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित रहेंगे, यह सब सारी चीजें भारत में बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए, इस मामले में भी भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं अब हमारा भारत तोप, गोले, टैंक, मिसाइल अब दुनिया के दूसरे देशों को मुहैया कराने का काम कर रहा है, यह है हमारे भारत की ताकत। हमारी सरकार ने सड़कों के ऊपर, यह स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनकी भी चिंता की है। प्रधानमंत्री
स्वनिधि योजना के अंतर्गत 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, गरीबों की हमारी सरकार चिंता कर रही है और उनको जो आर्थिक सहायता वो मुहैया करा रही है उसके कारण अब उनके भी हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इंडिया गठबंधन बना रखा है, मैं समझता हूं यह भानुमति का कुनबा है। इंडिया गठबंधन यह भानुमति का कुनबा है, यह चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि यह गठबंधन अब किस तरीके से टूट रहा है, किस तरीके से यह बिखर रहा है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, उड़ीसा के विकास के लिए, उड़ीसा हमारा एक विकसित राज्य बने, इसके लिए भारत तो विकसित देश बनने जा रहा है, लेकिन भारत के विकसित देश बनने के साथ ही उड़ीसा भी एक विकसित राज्य बनना चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्थान पर घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके उनसे अपील करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने अब तक गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए क्या क्या किया है। इन सब सारी उपलब्धियों की हम जानकारी दें, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है और मैं मानता हूं यह बात पक्की है, केवल लोकसभा के चुनाव में ही हमें शानदार सफलता उड़ीसा में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी हमको शानदार सफलता यहां प्राप्त होगी और हमारी सरकार बनेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, पूरे प्राणपण के साथ हम सबको अब जुट जाना है, ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हमको उड़ीसा में भी बनानी है, यह संकल्प लेकर हम सभी जाएं, यही अपील करते हुए और आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। राजनाथ जी स्वागतम। अभी हमरो ये जिला मुख्यमंत्री जिला से जिलारु नेतृत्व विधायक समस्ते दल छाड़ी भारतीय जनता पार्टी उपर विश्वास रखिकी दल में सामिल होती मु काली पार्टी।